हाय एवरीवन, आज मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम मकई के आटे से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है, मकई के आटे का बिस्किट। तो चलिए, देर किस बात की है, चलिए देखते हैं क्या करें। इसके लिए मकई का आटा ले लिए हैं हम। अब हम चीनी ले लिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आटा के अनुसार आप चीनी लीजिएगा, जितना आटा लीजिएगा उसके अनुसार। अब हम इसको चूल्हा पर चढ़ाएँगे और चीनी को घुलने देंगे। हिलाते रहेंगे, नहीं तो चीनी नीचे जल जाएगा। चीनी हमारा हो चुका है, चाशनी बन चुका है। अब इसमें हम मोम के लिए रिफाइंड डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे, पूरे आटा में मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम चाशनी डालेंगे और इसका डो बनाएंगे, न बहुत सख्त और न तो बहुत गीला, बस मीडियम होना चाहिए इसका डो, जैसा रोटी बनाते हैं। इसलिए कि मकई का आटा है ना, मकई का आटा ज़्यादा पानी सोखता है। अब हम पूरा बड़ा सा रोटी बना लिए हैं और गिलास से इसे बिस्किट का शेप हम दे दे रहे हैं। गोला गोला बिस्किट होता है ना, अब देखिए इस तरह से हम बना लिए हैं। अब सबको निकाल लेंगे और किनारे वाला जो बचा हुआ है उसको फिर से बेल लेंगे। किनारे वाला को फेंकना नहीं है। देखिए इस तरह से गोला गोला बिस्किट जैसा हो गया ना। देखिए, सारे आटा को हमने इस तरह से बना लिया है। अब कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब बारी बारी से हम एक एक करके डालेंगे। देखिए, एक तरफ सिक जाएगा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। देख लीजिए इस तरह से। अब हम दूसरी तरफ इसे पलट देंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, डार्क कलर हो जाएगा तो बिस्किट जैसा नहीं लगेगा। देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। देखिए, गोला गोला मकई के आटे का बिस्किट और हेल्दी भी। इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं हम डालते हैं। देख लीजिए, कम तेल में बहुत ही टेस्टी मकई के आटे का बिस्किट। एक बार आप लोग भी ज़रूर बनाएं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम तोड़ के दिखाते हैं बिस्किट को। देखिए तोड़ते हैं हम। देखिए, है ना बिस्किट जैसा।